भी एक त्योहार की समाप्ति होती है और हम दूसरे त्योहार की तैयारी शुरू कर देते हैं। कभी गणेश चतुर्थी, कभी दुर्गा पूजा, कभी दशहरा, फिर दीपावली, फिर पहले रक्षाबंधन, इस तरह से लगातार हमारे यहाँ कोई ना कोई त्योहार होता है और त्योहारों के कारण हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और ये हमारी भारत की परंपरा है, हमारी संस्कृति है कि हम त्योहारों के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। जब हम कोई भी त्योहार मनाते हैं, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हैं, और जब भी हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो सब मिलकर त्योहार मनाते हैं और त्योहार में एक दूसरे के साथ बैठकर खाना, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्यक्रम देखना। अभी आप एक सुंदर सा कार्यक्रम देख रहे थे, सब लोग जादू का कार्यक्रम यहाँ देख रहे थे और जादूगर ने यहाँ पर सबको दूध पिला दिया, तो सबको एक साथ दूध पिला दिया। तो जैसा कि मैं अभी कह रही थी कि हम सब लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं, इसी तरह से जादूगर ने मिलकर दूध पिला दिया सबको। तो हम सब त्योहार मिलकर मनाते हैं, मिलकर खुशी मनाते हैं और मिलकर ही एक साथ बोल